वायग्रा की लत लग गई, मतलब उसका एडिक्शन हो गया तो क्या करें, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि लोगों को वायग्रा की लत लग जाती है। एक्चुअली वायग्रा मतलब सिल्डेनाफिल जो है, अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, वो कोई लत लगने वाला प्रोडक्ट वैसा नहीं है कि भाई उसका विड्रॉल आ जाएगा, मतलब वो नहीं लिया तो हाथ में कंपन, घबराहट, बेचैनी, ऐसा मतलब जैसा शराब का होता है कि नहीं लिया तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, या नशे की दवा लिया तो विड्रॉल सिम्टम आते, ऐसा इसके माध्यम से कुछ नहीं होता, इसकी वजह से कुछ होता नहीं है। मगर लत लगती कैसी है, क्या होता है कि एक व्यक्ति है, उसको डर लग रहा है कि मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, या वो फेल हो गया, करते करते इरेक्शन ख़त्म हो गया, टाइटनेस निकल गया, फिर डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर बोलता है ले ले दवाई, या कोई दोस्त के पास में जाता है या केमिस्ट के पास में जाता है, और वहाँ से वायग्रा जैसी, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल जैसी दवाई ले लेता है। अब दवाई लेने के बाद में उसको लगता है कि अभी मेरा जमेगा, अब मैं कर सकूँगा, सो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और नेचुरली वो उस दिन कर पाता है, उसका हो जाता है, सक्सेसफुल होता है, उसको लगता है कि भाई मैंने दवाई लिया करके मेरा हो गया। एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली वो दवाई लेके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और वायग्रा ने मतलब सिल्डेनाफिल ने जो काम करना था, टाडालाफिल ने जो काम करना था, वो काम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसी जो खून की नलियाँ रहती, ब्लड वेसल्स, वो थोड़ी डायलेट हो जाती, बड़ी हो जाती, और लिंग में करीब करीब 100-150-200 ml तक ब्लड अंदर घुसता, और इसलिए वो लंबा होता, बड़ा होता, मतलब स्पंज जैसा है ना पेनिस, लिंग जो है वो स्पंज जैसा, ऐसा दबा दो इतना सा हो जाएगा और पानी में छोड़ दो पूरा मोटा हो जाएगा, वैसा स्पंज जैसा है। अब क्या होगा, अब वो तो उसने तो उसका काम कर दिया, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर दिया और ब्लड वेसल्स मोटी करके अंदर पेनिस में ब्लड घुसा दिया और उसका टाइटनेस आ गया, उसने सक्सेसफुल किया। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन उसको लगता है कि कल तो मैंने दवाई लिया और आज दवाई नहीं लिया और फेल हो गया तो औरत क्या बोलेगी। ये स्पेशली नए लड़के जो है, मतलब नई शादीशुदा जिनकी हुई है, नई शादी हुई है, मतलब वो लड़कों के साथ में ऐसा होता रहता है। फिर बोलता है ठीक है आज मुझे भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन समझो फेल हो गया तो अपना इज्जत का सवाल है, फिर दूसरे दिन भी ले लेता, फिर तीसरे दिन नहीं लेता, देखता हूँ कि जमता नहीं जमता, और तीसरे दिन गोली नहीं लिया, जाने के पहले ही धक 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 शुरू हो जाती है, जाने के पहले ही विचार बहुत ज़्यादा आते कि आज जमेगा नहीं जमेगा, जमेगा नहीं जमेगा, तो भी उसका फोकस कहाँ है, नहीं जमेगा, और दिमाग में एक्चुअली सेक्स के ऊपर है नहीं, और उसका नहीं जमता है, फिर उसका पूरा पक्का विश्वास हो जाता है कि ये तो मैं लूँगा तभी जमेगा, नहीं तो नहीं जमता है, और वो फिर लेता है। इस तरह से उसका एडिक्शन बन जाता है। ये टालना है तो क्या करना पड़ेगा, टालना है तो देखना पड़ेगा कि भाई ये जो लैंगिक कठोरता नहीं आ रही है उसका रीज़न क्या है, इसके जड़ में क्या है, क्या एंग्जाइटी, चिंता, घबराहट, बेचैनी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, रिलेशनशिप में इशू है, दोनों की बनती नहीं है, घर में बच्चे बड़े हो गए तो एक कमरे में है, छुप छुप के करना पड़ता है, डर डर के करना पड़ रहा है, क्या है क्या, या डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर, मतलब कारण ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कारण ढूंढने के बाद में समझो ऐसा हो गया कि डायबिटीज़ निकल गया और डायबिटीज़ के वजह से अभी खून की जो नलियाँ हैं, जो मतलब ब्लड वेसल्स जो है वो अभी छोटी हो गई, तो फिर तो हरदम लेना ही पड़ेगा। फिर लोग बोलते ज़िंदगी भर लेना क्या, फलना ज़िंदगी भर लेना, क्योंकि डायबिटीज़ की गोली आप ज़िंदगी भर लेने वाले हैं तो ये भी ज़िंदगी भर लो, मगर करते कितने बार हो, यूजुअली एवरेज में एक आदमी 52-55 बार एक साल में करता है। इसका ही मतलब ये हो गया है कि वो हफ्ते में एक बार करता है एवरेज में, हफ्ते में एक बार, तो हफ्ते में एक बार लेनी पड़ेगी गोली। यदि आपका डायबिटीज़ से खराबा हो गया है या और कोई कारण से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो उसकी वजह से खराबा हो गया है, या कोई और नर्व डैमेज है, मतलब जो भी कोई कारण होगा तो फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। मगर यदि सिर्फ साइकोलॉजिकल कारण है, मानसिक कारण से लैंगिक कठोरता नहीं आ रही है, तो दवाई लेने की जरूरत नहीं है, जड़ से निकालो और दवा जल्द से जल्द बंद कर डालो। दवा सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल या वर्दानाफिल, एवेनाफिल, ये चारों भी कोई भी लत फॉर्मिंग, मतलब एडिक्शन फॉर्मिंग दवाई नहीं है।
ऐसे ही लगा आपको कि नहीं नहीं वो तो दवा नहीं लिया तो जमेंगा ही नहीं, तो दवाई का डोज जो है वो आधा करो, फिर 1/4 करो और फिर बंद कर डालो, समझो। ऐसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो सिलनाफिल या टाडालाफिल ये लत लगाने वाली दवाई है नहीं, उसका कोई विड्रॉल आता नहीं है, जो भी है वो दिमाग में है। वो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को शेयर करो कि जो लोगों को लत लगी हुई है ये वायग्रा की, डेफिनेटली उनके काम में आएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।